खबर बदायूं से आ रही है, जहां 50,000 की रिश्वत लेते हुए क्राइम इंस्पेक्टर को एंटी करप्शन की टीम ने दबोच लिया। एंटी करप्शन ने इस्लाम नगर थाने की महिला इंस्पेक्टर सिमरनजीत कौर को 50,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। इस्लाम नगर थाने में तैनात है क्राइम इंस्पेक्टर सिमरनजीत कौर। बता दें कि एंटी करप्शन की टीम की अचानक छापेमारी से हड़कंप मचा है। सूत्रों के मुताबिक रंगदारी के मामले में दुष्कर्म पीड़ित महिला से रकम वसूलने का मामला है और ये पूरा मामला बदायूं जिले के थाना इस्लाम नगर का है। सर, क्या पूरा मामला है, किस तरह से आपको सफलता मिली अपराध निरीक्षक रिश्वत लेते हुए? थाना इस्लाम नगर के अंतर्गत एक सीमा शर्मा नाम की महिला थी, उनके विरुद्ध उनके द्वारा एक 300 का मुकदमा लिखाया गया था। उसके दबाव बनाने के लिए विपक्षी पार्टी द्वारा उनके विरुद्ध एक मुकदमा उसको लिखाया गया था कि अवैध वसूली कर रही हैं या दबाव बना के कर रही हैं, उत्पीड़न कर रही हैं। तो उस संबंध में पंजीकृत वगैरह उसकी तफ्तीश सिमरनजीत कौर द्वारा की जा रही थी, जो निरीक्षक अपराध के रूप में कर रही थी, और उनके द्वारा उस महिला से मांग की गई कि भाई तुम्हारे इस मुकदमे में FIR लगा देंगे, और उसी के एवज में उनके द्वारा 50,000 रुपये की रिश्वत ली गई और हमारी टीम द्वारा उनको गिरफ्तार किया। जिस तरह से ये आपको शिकायत मिली, इस तरह गिरफ्तारी की आपने कोई रूपरेखा बनाई थी कि इसी तरह तो पकड़ ली? हाँ, जो कल हमारे पास वो महिला आई थी तो उन्होंने अपनी शिकायत बताई थी, तो उसी शिकायत के अनुसार ही हमने रूपरेखा तैयार करके अपनी टीम का गठन करा के अपनी विधिक रूप से कार्रवाई कराई गई।